और अब बात करेंगे पाकिस्तान की नियाज़े खान, बस 7 दिनों का मेहमान है जी हाँ। पाक संसद में आज अविश्वास प्रस्ताव पेश होगा और इस अविश्वास प्रस्ताव पर 3 या 4 अप्रैल को वोटिंग होगी। 39 सांसदों ने साथ छोड़ दिया इमरान खान का, सेना भी इमरान से नाराज है, उनके खिलाफ नजर आ रही है। और ऐसे में बिल्कुल साफ है कि जब ना सत्ता पक्ष ना अपने साथी, और अगर वो आंखों में खटकने लगे हैं बाजवा के, तो ये बिल्कुल तय है कि सेना तख्ता पलट के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है और शक्ति प्रदर्शन जरूर करने वो पहुंचे थे इस्लामाबाद में, लेकिन किस तरीके से अपनी कुर्सी बचाएंगे ये देखने वाली बात होगी। ये 4 तस्वीरें आप देखिए, अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा, कुर्सी छोड़ने से पहले नौटंकी करते हुए नियाज़े खान नजर आए। इसके बाद आप देखेंगे 3 से 4 अप्रैल को वोटिंग और इस्लामाबाद में जलसा किया, ताकत दिखाने की कोशिश की, प्रेशराइज करने की कोशिश की सेना को और विपक्ष को। और अब सीधा रुख करेंगे सहयोगी पूजा का, जो ग्राफिकली आपको समझाएंगी कि आखिर इमरान खान नंबर्स गेम्स में कैसे पिछड़े हैं। पूजा बिल्कुल बिल्कुल रोहित, देखिए चले अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि कैसे इमरान का ये नंबर गेम गड़बड़ा गया है, क्यों विपक्ष और वहां की सेना उन पर इस्तीफा देने का दबाव बना रही है। पाकिस्तान की संसद में देखिए कुल 342 सीटें हैं, जिनमें इमरान खान की अगर पार्टी की बात करते हैं तो कुल सांसद 342 है, बहुमत का आंकड़ा 172 चाहिए। पीटीआई के पास 155 सीटें हैं, जबकि विपक्षी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानी PMLN के पास 84 सांसद है, ये आप देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। जबकि बिलावल भुट्टो की पार्टी जो PPP है उसके पास है 56 सांसद। अब आइए जरा समझते हैं कि कैसे इमरान खान का ये नंबर गेम बिगड़ा और उनकी कुर्सी पर खतरा पैदा हो गया। इमरान की पार्टी की बात करें तो कुल 155 सांसद हैं, और अगर आप ये देख रहे हैं नंबर गेम तो 155 सांसद इमरान की पार्टी के पास है और छोटे दलों को मिलाकर उन्हें 24 सांसदों का समर्थन मिला है। अब इमरान के 24 सांसद जो है वो बागी हो गए हैं, छोटे दलों के कुछ सांसद भी साथ छोड़कर जा चुके हैं। अब इमरान के लिए जो सबसे बड़ी टेंशन है, देखिए 24 बागी सांसद और जो सबसे बड़ी टेंशन ये है अब कैसे वो यहाँ पर अपने अपनी पार्टी अपने आप को बचा पाते हैं, क्योंकि 15 दिन से उनके 50 मंत्री जो हैं वो गायब हैं, 155, और ऐसे में जो 50 मंत्री गायब हैं इसमें फिलहाल इमरान के पास बहुमत से 68 सांसदों की कमी है। अब ऐसे में जब अविश्वास प्रस्ताव पास होगा कैसे बचाएंगे अपनी सत्ता, ये सबसे बड़ा सवाल है, और ऐसे में नौटंकी वो खूब कर रहे हैं। और आप देखिए पाकिस्तान में पहली बार किसी PM ने सेना के खिलाफ जाने का मादा दिखाया है। आप देखिए लगातार, क्योंकि अब तक सेना की ही सरकारें चलती रही हैं और यहां से अब इमरान खान की मुश्किलें कैसे बढ़ रही हैं ये रिपोर्ट जरा आप देखिए। हर किस्म की आपके जमीर को खरीदने की कोशिश की गई। इस्लामाबाद में नियाज़ी के ललका, सेना के खिलाफ लोकतांत्रिक यलगा, पाकिस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी मौजूदा PM की इतनी विशाल रैली इससे पहले शायद ही देखी गई हो। सत्ताधारी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का दावा है कि इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित इमरान खान नियाज़ी की रैली में 20 लाख लोग पहुंचे थे। सवाल यह है कि इमरान ने इतनी बड़ी रैली का आयोजन किया क्यों? दरअसल बाजवा के डायरेक्शन में पाकिस्तान के विपक्षी दलों ने इमरान के तख्ता पलट के मुकम्मल तैयारी कर ली है। बाजवा ने इमरान को कुर्सी छोड़ने का इशारा भी दे दिया है, लेकिन इमरान ने बाजवा की नाफरमानी करते हुए इस्लामाबाद की रैली में साफ कह दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। नौजवानों, इमरान खान जो मर्जी ये कर ले, हुकूमत जाती है जाए, जान जाती है जाए, कभी इनको माफ नहीं करेंगे। पाकिस्तान की जनता साथ बाजवा से नियाज़ी का दो दो हाथ। इस्तीफे से इनकार करने का मतलब साफ है, इमरान ने यह तय कर लिया है कि पाकिस्तान के लोकतांत्रिक सरकार और फौज के सामने घुटने नहीं टेकेगी। नियाज़ी ने इस्लामाबाद की रैली में बेशक निशाना बनाया जरदारी और शरीफ खानदान को, लेकिन कहीं ना कहीं उनके निशाने पर बाजवा भी थी।
सारा ड्रामा हो रहा है कि किसी तरह जनरल मुशर्रफ की तरह इमरान खान घुटने टेक के इन सबको एनआरओ दे दे कि पाकिस्तान में वो